टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभीरा के मन में अरमान को लेकर ढेर सारी मोहब्बत है, ये बात रूही जानती है। अब अरमान के दिल में भी अभीरा को लेकर प्यार ना आ जाए, इस बात से रूही डरती भी है। तो ऐसे में रूही ने दादी सा को अपने प्लान में शामिल किया और फैसला किया है कि वो सीधे सीधे अरमान और अभीरा का डाइवोर्स करवा देगी, अरमान और अभीरा का तलाक करवा देगी। वेल, इस तलाक के सपोर्ट में दादी सा है, विद्या है, संजय भी है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि अभीरा भाभी इस घर से जानी नहीं चाहिए। अब आगे आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होगा, चलिए आपको बताते हैं। वेल, अभी तक तलाक के पेपर्स को क्रिश के गिटार में मनीषा ने छिपा दिया है, लेकिन अब ये तलाक के पेपर्स अभीरा को मिले उससे पहले ही लग जाएंगे रूही के हाथ। रूही जाएगी अभीरा से इन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए, लेकिन ये क्या, अभीरा ने पेपर्स लेकर उन्हें जला भी दिया है। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप यही ट्विस्ट देखने वाले हैं। अभीरा तलाक के पेपर्स ले तो लेगी, लेकिन इन पेपर्स को जला देने वाली है, वो भी विद्या की आंखों के सामने। और इसके बाद अभीरा विद्या से ये भी कहेगी कि आपके लिए पापा के साथ अपनी शादी भले ही मायने ना रखती हो, लेकिन मेरे लिए मेरा और खड़ूसमान का रिश्ता बहुत मायने रखता है और ये रिश्ता मैं इतनी आसानी से नहीं तोड़ूंगी। वेल, अभीरा कोशिश कर रही है कड़वी कड़वी बातें बोलकर अभीरा और माधव का रिश्ता बचाने की। कोशिश कर रही है अभीरा कि बस किसी तरह से उसे जितनी कड़वी बातें बोलनी पड़े वो बोले, लेकिन ये शादी टूटने से बच जाए। अब देखना होगा शादी टूटने से बचती है या नहीं। अभीरा डाइवोर्स के पेपर्स तो जला देने वाली है, लेकिन अब विद्या की आंखें खुलती हैं या नहीं।